चुनावी साल में स्मार्ट सिटी शिमला का काम सुर्खियों में है। कांग्रेस स्मार्ट सिटी के तहत हुए कामों को लेकर लगातार सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस के पूर्व विधायक और उपाध्यक्ष आदर्श सूद ने सरकार पर स्मार्ट सिटी के कामों में पैसे की बर्बादी का आरोप लगाया है। स्मार्ट सिटी के तहत शहर में घटिया गुणवत्ता का काम हुआ है। कांग्रेस के पूर्व विधायक आदर्श सूद ने कहा कि पूर्व में यूपीए की सरकार के दौरान स्वीकृत स्मार्ट सिटी का मकसद पुराने भवनों को गिराकर नए भवन बनाना और नए स्थान पर बाजार बनाना था, लेकिन वर्तमान सरकार ने ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने का काम किया। शहर में सड़कों को चौड़ा करने के नाम पर डंगे लगाए गए और लोहे के ब्रिज खड़े कर दिए गए। जाम से शहर के लोग परेशान हैं। कांग्रेस के समय में ही शहर में रोपवे का काम शुरू हुआ और शहर में मजबूत ओवरब्रिज बनाए गए, लेकिन अब शहर में जो ब्रिज बनाए गए हैं उनमें स्टील और लोहे का दुरुपयोग किया गया ताकि चहेतों को फायदा पहुंचा सकें। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार नगर निगम के चुनावों में हार के डर से इस मामले को लटका रही है। मैं आपसे कुछ बात करूंगा शिमला स्मार्ट सिटी के बारे में। हमारी जब यूपीए सरकार थी केंद्र में, तो केंद्र सरकार ने जवाहरलाल नेहरू अर्बन मिशन की एक स्थापना की और उनका मकसद था कि अर्बन एरियाज में जो है वो डेवलपमेंट हो, अर्बन एरिया को सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो और साथ ही साथ जो आबादी बढ़ रही है अर्बन एरियाज में वहाँ पर जो नागरिक सुविधाएं हैं उनको बढ़ाया जा सके। और हमारी स्टेट को भी ये प्रोजेक्ट जो है जवाहरलाल नेहरू अर्बन मिशन 2006-07 में मिला, किंतु साथ में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई और इन्होंने आगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह जो दिल्ली से आई थी वो उन पर कोई एक्शन हुआ नहीं और वो प्रोजेक्ट जो है लैप्स हो गया। उसके बाद उसी प्रोजेक्ट का नामकरण जो है वो भाजपा सरकार ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट रख दिया और शिमला को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है वो स्वीकृत हुआ 2017 में। और 2018 में इसकी जो है प्रोजेक्ट का शुरुआत हुई। और इस प्रोजेक्ट का क्या मकसद था? इसका मकसद था कि एक तो जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, पुराने स्ट्रक्चर्स हैं, उनको रेट्रोफिटिंग की जाए, उनको नए स्ट्रक्चर बनाए जाए उनके स्थान पर। और दूसरा था रीडेवलपमेंट, कि जो पुरानी बिल्डिंग जो है उनको डिमोलिश करके रीडेवलपमेंट की जाए। तीसरा था कि नए एरियाज जो हैं, जो नए एरिया डेवलप किए जाए, क्योंकि शहर की जो डिमांड है, शहर की जो ज़रूरत है उसको देखते हुए नए एरिया में जहां पर वे बाजार भी हो, दफ्तर भी हो और रहने के लिए लोगों को जगह भी हो। किंतु दुर्भाग्यवश समझ लीजिए कि ना हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो यहाँ की थी, ना इनका कोई विजन था, ना ही कोई अधिकारियों से हम जो है हमारी जो यहाँ पर प्रेजेंट सरकार और नगर निगम है वो कोई काम करवा सकी। तो आनन फानन में सिर्फ यही हुआ कि जो प्रोजेक्ट बने सिर्फ डंगे लगाने का ही काम हुआ या ओवरब्रिज लगाने का काम हुआ। और इसके साथ ही साथ जो अब जैसे मैंने कहा कि रेट्रोफिटिंग होनी थी, पुराने स्ट्रक्चर्स की जगह नए बनने थे, चाहे सब्जी मंडी है, अनाज मंडी है, लोअर बाजार है, दूसरे जो भी कंजेस्टेड एरिया है, और नई मार्केट डेवलप होनी थी। और इन्होंने कोई अच्छा स्ट्रक्चर नहीं बनाने की जगह एक प्रीफैब स्ट्रक्चर से जो है वो दुकानें बनाई। आप तो जानते हैं हम शिमला में कि एक टीन का स्ट्रक्चर और एक आरसीसी का स्ट्रक्चर में कौन सा ड्यूरेबल है, सबको मालूम है। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।